आए दिन पुलिस नशा तस्करों पर कार्रवाई करती है, लेकिन नशे की तस्करी रुकने का नाम नहीं ले रही। एक बार फिर कोतवाली पुलिस ने नशा तस्करों द्वारा ले जाई जा रही शराब बरामद की है। निरीक्षक अनिल गुप्ता ने बताया कि खटीक मोहल्ला लाल कुआं स्थित एक ऑटो में अवैध शराब भरकर ले जाई जा रही थी। मुखबिर की सूचना मिलने पर जब पुलिस ने दबिश दी तो ऑटो से तकरीबन 20 पेटी शराब, जिसकी कीमत 1 लाख रुपए बताई जा रही है, पुलिस ने जब्त कर ली है। लेकिन ऑटो के ड्राइवर ने अंधेरे और संकरे रास्तों का फायदा उठाकर फरार हो गया है। फिलहाल पुलिस ने गाड़ी मालिक और ड्राइवर के नाम पर FIR दर्ज कर ली है। अवैध शराब के परिवहन और अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई के संबंध में हमारे जिला पुलिस अधीक्षक महोदय, हमारे एडिशनल SP साहब, हमारे CSP साहब के द्वारा अभियान चलाया गया है। और इसी तारतम्य में कल रात को गश्त के दौरान हमें मुखबिर के द्वारा सूचना प्राप्त हुई है कि लोडिंग ऑटो PIGO कंपनी का MP20 LV 1162, इसमें बड़ी मात्रा में अंग्रेजी शराब भरकर परिवहन किया जा रहा है। इस सूचना पर जब हमारे द्वारा नाकाबंदी की गई क्षेत्र में, तो गाड़ी की तलाशी लिए जाने पर गाड़ी में 20 पेटी गोवा कंपनी की अंग्रेजी शराब करीब 180 बल्क लीटर कीमती करीब 1 लाख रुपए की यह पाई गई है। इसमें गाड़ी और शराब को जब्त कर लिया गया है, अपराध पंजीकृत किया है वाहन के चालक और वाहन के स्वामी के विरुद्ध। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम पलपल इंडिया।